नमस्कार दोस्तों, चक दे विद नॉलेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो बनाया है वो बनाया है मैंने बिगनर्स के लिए, जो पहली बार बैंक का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। उनके दिमाग में काफ़ी क्वेरीज हैं जिसका रिप्लाई वो अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे हैं। मैंने 500-600 कैंडिडेट से बात की है और उस बातचीत के आधार पर जो मुझे लगा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है, उस आधार पर मैंने कुछ टिप्स बनाई उन बिगनर्स के लिए, जिससे उनके दिमाग की क्वेरीज थोड़ा कम हो जाए। पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर प्रॉब्लम था वो था कैंडिडेट्स का नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेके। कैंडिडेट्स का कहना है कि हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो हम अप्लाई करें ही क्यों, क्यों अपना पैसा बर्बाद करें। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कितनी सीट चाहिए, सिर्फ एक। हो सकता है जो वैकेंसी एक सीट के लिए निकली है वो वैकेंसी आपके लिए ही बनी हो, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप वैकेंसीज पे ध्यान ना दें। 100 हो, 200 हो, 300 हो या 1000 हो, आप अप्लाई करिए। एक हो फिर भी अप्लाई करिए। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं, सपोज करो दो वैकेंसी हैं, आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं, तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, आपको अपना वीकनेस स्ट्रेंथ पता चलेंगी, आपको पता चलेगा कि कैसा एनवायरनमेंट होता है एग्जाम हॉल का। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा, इसलिए वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो आप दीजिए। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम दीजिए, किसी और सेक्टर के देने हैं तो वहाँ के एग्जाम दीजिए। स्टेट सिलेक्शन, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कैंडिडेट जो क्लरिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, वो उस स्टेट को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप उस स्टेट को चूज कर रहे हैं तो ये मत भूलिए कि कई और कैंडिडेट्स भी ऐसा कर रहे हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। जो आपका सिलेक्शन है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ही डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है। आपकी जो मेरिट है एग्जाम में उस पर डिपेंड करता है, इंटरव्यू कैसा गया आपका उस पर डिपेंड करता है, एग्जाम पैटर्न आपके सूटेबल था या नहीं था उस पर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। इसलिए ये मत सोचिए कि किस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी हैं, उसको मत ढूंढिए, हो सके तो अपने खुद के स्टेट में अप्लाई करिए। जो क्लरिकल का सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर आप दूसरे स्टेट में सिलेक्शन ले भी लेते हैं तो सर्वाइवल में आपको प्रॉब्लम होंगी। और दूसरा, अगर आप अपने खुद के स्टेट में सिलेक्शन होंगे तो आपकी जो सेविंग है, बचत है, वो ज़्यादा होगी और आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने खुद के स्टेट या नज़दीकी स्टेट में ही अप्लाई करें, ज़्यादा दूर के स्टेट में अप्लाई ना करें। यही मेरा कहना है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तीसरा, कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें। मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छा काम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द कैंडिडेट परफेक्ट फॉर द सिलेक्शन। यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप पुराने एग्जाम्स का जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं उनके सेट्स लीजिए और उनको सोल्व करिए। आप जितने ज़्यादा सेट सोल्व करेंगे दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और जो आपको सिलेक्शन लेने में मदद करेगी। कई फ्रेंड्स ने पूछा कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि कोचिंग मदद करती है आपको ज्ञान बढ़ाने में, आपकी नॉलेज बढ़ाने में। अगर आपके फैमिली फाइनेंशियल पोजीशन आपको अफोर्ड कर सकते हैं, आप कोचिंग का पैसा दे सकते हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा, आप खुद तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू मोर देन योर कोचिंग। कोचिंग अगर ज्वाइन करने से सभी का सिलेक्शन हो जाता तो 100% सिलेक्शन कोचिंग से ही होता और कोचिंग्स के सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता। तो कोचिंग से सब कुछ नहीं होगा, आपकी सक्सेस आपके हार्डवर्क पे, आपकी स्टडी पे डिपेंड करती है। आप 3 से 6 महीने लग के अगर पढ़ेंगे बैंक का,
जो भी कोर्स है वो 6 महीने में पूरा कवर हो जाएगा, 3 महीने में भी हो जाता है कवर, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के टाइम में सब कुछ हो जाता है कवर। आप 6 महीने सही से पढ़िए, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट कई कॉन्टैक्ट कराते हैं, कई कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन मैनी थिंग्स आर देयर, कई जगह हैं। आप स्पीड टेस्ट अगर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्पीड बढ़ेगी, ये बहुत अच्छा टूल है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, कई कैंडिडेट्स का क्या कहना है कि हमें जो टीचर पढ़ा रहा है सर उसका ही कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या सिलेक्शन होगा, यानी कि वो टीचर बेकार है। आप ऐसा मत सोचिए, ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें वही कैंडिडेट्स पढ़ा रहे हैं जो कभी सिलेक्ट नहीं हुए, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ नहीं पढ़ा रहे होते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो टैलेंटेड नहीं है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो टैलेंटेड है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैथ का टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो मैथ बहुत अच्छी तरह जानता है, वो मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता था, लेकिन हो सकता है वो इंग्लिश का भी क्वालिफाई ही नहीं किया, वो इंग्लिश में कमज़ोर था, या रीजनिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, रीजनिंग में थोड़े मार्क्स कम पड़ जाते थे, इस वजह से वो कभी भी मेरिट में हाई नहीं आ पाया। इसलिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है, तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको रेस्पेक्ट करें, उसको ध्यान से सुने और उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आपने आपको जो भी स्टडी करनी है कोचिंग सेंटर की, वो ज्वाइन करने से पहले कर लें। वंस यू डिसाइडेड कि ये कोचिंग सेंटर मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो जो भी टीचर है उसको ध्यान से सुने। ये बहुत बड़ी समस्या है। सारे कैंडिडेट, उसमें से 80% लोगों का कहना था कि सर इंग्लिश इज अ बिग प्रॉब्लम। मैं आपको क्लियर करूंगा कि इंग्लिश कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं है जो आपका एक साथ इंप्रूव हो जाएगी, एक ये प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स धीमे 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 जब आप स्टडी करेंगे, आप कम्युनिकेशन करेंगे इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। एक दिन में तो इंप्रूव नहीं हो सकती कि आपका एक अगले महीने टेस्ट है और आप एकदम से बिल्कुल वीक हैं और एकदम से बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट स्टडी से होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखिए, आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए, बात करिए इंग्लिश में, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और मैक्सिमम जो है, फिर से मैं रिपीट करूँगा, इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट, जो ओल्ड प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको आप करिए। इंग्लिश के ऊपर है ये भी, आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम यूपी बिहार से होते हैं जो कि इंग्लिश में वीक होते हैं। ये स्टेट्स हिंदी भाषी हैं और यहाँ के बच्चों की जो इंग्लिश है जो कैंडिडेट्स की वो कमज़ोर होती है, उसके बावजूद भी वो सिलेक्ट होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी इंग्लिश खराब है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आप सिलेक्ट होंगे। आप इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, लेकिन निगेटिव फैक्ट अपने दिमाग में मत रखिए। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो गया, कई लोगों को जीए में प्रॉब्लम है, जनरल अवेयरनेस, ये बहुत अच्छा है कि बैंक में पुराने क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पूछे जाते हैं। आपको जनरल अवेयरनेस देखनी है, जनरल साइंस नहीं देखनी है, केवल 6 महीने की मैगजीन्स पढ़िए, या मैं यही कहूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप मैगजीन्स मत पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव टाइप लीजिए, टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए, आप समझेंगे तो वो इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल कब हुआ था, अभी कहाँ हो रहा है, प्रीवियस कहाँ हुआ था, बड़े बड़े प्लेयर्स कौन सी टीम में हैं, कितनी टीमें खेल रही हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्क्रिप्ट टाइप मैगजीन पढ़िए और उन सबको अंडरलाइन कर लीजिए, इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। ये मुख्य पॉइंट थे, 10 पॉइंट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए। मैं फिर से आऊँगा, फिर से बात करूंगा कैंडिडेट से और फिर से आपके लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर आऊंगा। ये मेरे भी उसे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इन एडवांस कि आप सिलेक्ट जरूर होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो बुक्स पढ़िए, बुक्स बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए। मेरा फेसबुक ग्रुप सेम चैनल नेम ऑन द फेसबुक आल्सो, यानी कि आपको फेसबुक ग्रुप मिलेगा चड्डे विद नॉलेज।